प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। जिसमें मैंने मुख्यतया ये विषय प्रेजेंट किया कि प्रभु ने हमारे जीवन में, जब हमने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, उस समय प्रभु ने ना केवल हमको नया जीवन दिया, बल्कि उसके साथ साथ हमारे जीवन में कई सारे इन्वेस्टमेंट्स या निवेश किए, जिनमें से कुछ निवेशों को हम हाथ नहीं लगा सकते, जैसे उद्धार, वो शाश्वत है। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे निवेश भी प्रभु ने हमारे जीवन में किए हैं, जिनके बारे में प्रभु ने स्वयं हमसे हमें आज्ञा दी है कि हम उनका नियमित उपयोग करें या विनिमय करें। उदाहरण के लिए आत्मिक वरदान, और प्रभु यीशु ने स्वयं दासों की जो कहानियां सुनाई थी या उदाहरण दिया था, उसमें बार बार ये बात बताई थी कि स्वामी जब दासों को कुछ देता है तो उनसे उम्मीद करता है कि वे लोग नियमित रूप से उसका उपयोग करेंगे, जिससे कि मालिक के लिए संपत्ति बढ़ जाए, और जब मालिक वापस आएंगे तब उनसे हिसाब मांगेंगे। कुछ लोग आके दो वापस करेंगे, कुछ लोग 5 और एक्स्ट्रा देंगे, कुछ लोग 10 और एक्स्ट्रा देंगे, और स्वामी हरेक को उसकी योग्यता और उसकी विश्वास योग्यता के अनुसार हरेक को इनाम या पारितोषिक देंगे। उस घटना में हम ये भी देखते हैं कि वह दास जो प्रभु के द्वारा प्राप्त की हुई चीज का उपयोग नहीं करता है, वो प्रभु के सामने दोषी ठहरेगा। इन घटनाओं में एक चीज और हम देखते हैं, और वो ये है कि ये एक शाश्वत नियम है, आत्मिक जीवन का शाश्वत नियम है, जो बदल नहीं सकता है, परमेश्वर के द्वारा स्थापित नियम है, जिसको प्रभु यीशु ने स्वयं बहुत स्पष्टता से बताया था। और नियम यह है, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे जो उसके पास है वो भी छीन लिया जाएगा। इसलिए पिछले हफ्ते, शुरू के 2 हफ्तों में मैंने ये बात याद दिलाई कि हम प्रभु ने हमारे जीवन में जो निवेश किया है उसका सही उपयोग करें। तीसरे संदेश में मैंने ये याद दिलाया था कि इस निवेश का जब हम उपयोग करते हैं तब हम प्रभु यीशु के सहकर्मी हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभु के वचन में लिखा है कि हम सहकर्मी है या कोवर्कर्स है। जब हम किसी व्यक्ति के सहकर्मी हैं तब दोनों को एक समान सोचना चाहिए, या दूसरे शब्दों में हम विश्वासियों को वैसा ही सोचना चाहिए जैसा प्रभु हमसे चाहते हैं, और इस कारण हमारी सोच में क्या बदलाव आना है, ये पिछले हफ्ते मैंने बताया। आज क्लोजिंग में मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जहां भी मैं प्रभु के वचन से कोई भी सीरीज लेता हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि आखिर में ये संदेश जरूर लोगों को सुनाओ, जिससे कि कंक्लूशन वो किसी तरह से भूल ना सके। और वो जो कंक्लूशन है वो ये है कि जब प्रभु हमारे जीवन में निवेश करते हैं तब हमें सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए, बीच बीच में रुक रुक के प्रभु के साथ वाद विवाद या प्रभु के साथ मोल भाव नहीं करना है। ये घटना हम मत्ती रचित सुसमाचार के 21वें पद से आगे देखते हैं, मत्ती 19:21 से आगे। लेकिन प्रभु का वचन खोलने से पहले एक दो बातें मैं याद दिलाना चाहता हूँ। नंबर 1, मुझे इस तरह से आप लोगों ने बुलाकर जो अवसर दिया, उसके लिए मैं मंडली का और मंडली के सभी भाइयों का आभारी हूँ। नंबर 2, इस मीटिंग में मुझे मेरे कई पुराने मित्रों से मुलाकात हुई, जिसके मामले में मुझे बहुत खुशी है। कई सालों के बाद कई लोगों से मुलाकात हुई, अब उनसे मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में हूँ, और मैंने सोचा कि और किसी से मुलाकात नहीं होगी, तब आज
भाई साजू चाको हाजिर हो गए। साजू मेरे विद्यार्थी रहे हैं और मुझे लगता है कि हाँ बीच में एक बार शायद कहीं हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन सच कहा जाए तो पिछले 20 सालों में ये हमारी पहली सॉलिड मुलाकात है। तो इस तरह से मुझे मेरे कई इष्टजनों से मिलने का भी मौका मिला, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पिछले हफ्ते मैंने याद दिलाया था कि मैं अपनी गवाही ब्रीफ में आपको बताऊंगा। एक्चुअली मेरी पैदाइश केरल की है। मेरे पापा जब मैं 3 साल का था तब हिंदुस्तान बाइबल इंस्टीट्यूट चेन्नई में पढ़ाई के लिए चले गए, और जब मैं मुश्किल से 5 साल का था तब मम्मी और मुझे या हम बच्चों को पापा अपने साथ ले गए। तो पैदाइश केरल की होते हुए भी 4 साल की उम्र में मैंने केरल छोड़ दिया। हम लोग चेन्नई में लगभग 1 या 1.5 साल रहे। उसके बाद पापा की जब पढ़ाई खत्म हो गई तो चेन्नई से पापा राजस्थान के कोटा में चले गए। 1959 में पापा राजस्थान के कोटा में पहुंचे। कोटा पहुंचने के कुछ समय पहले ही पापा ने मुझे प्रभु यीशु का शुभ संदेश सुनाया और मैंने प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया और अपने जीवन में पाप क्षमा और उद्धार पाई। आप पूछेंगे, आप कहेंगे कि उस समय तो आप बड़े छोटे रहे होंगे। जी हाँ, काफी छोटा था, लेकिन बचपन से ही नॉर्मल से ज्यादा समझ होने के कारण बहुत अर्ली स्टेज में ही मैंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया। पापा वगैरह कोटा पहुंचे और उसके और वहां उन्होंने गॉस्पेल प्रीचिंग शुरू किया। उसके 13वें दिन उन लोगों को कई गैर मसीही तीव्रवादियों ने आकर बहुत बुरी तरह से पीटा। उनके पास जो बाइबल्स और गॉस्पेल्स वगैरह थे सब छीना लिया और उसको लेकर आग लगा दिया। इन लोगों को देखकर एक्चुअली हम बच्चे थे, हमको लेके मदर्स वगैरह छुप गई थी, लेकिन जब सब लोग चले गए उसके बाद इस समय जो जयपुर में एक प्रभु के दास हैं केसी जॉन, वे इस टीम के सदस्य थे। वे मुझे उस आग के पास ले गए। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ये बाइबल्स और गाने की किताबें हैं जो प्रभु के वचन के दुश्मनों ने जला दी हैं और शायद सबको मार डालेंगे। तब मैंने उनसे कहा कि आप सबको मार डालेंगे तो मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब मैं यहाँ प्रभु की सेवा करूंगा। प्रभु ने मदद की कि मैं प्रभु की सेवा करूं, एग्जैक्टली उस जगह पर नहीं, लेकिन प्रभु की सेवा का मौका मिला। कोटा में एक अच्छी मंडली की जब स्थापना हुई तो उसके बाद 1961 में पापा कोटा से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चले गए। उन्होंने सुना कि ग्वालियर जो कि चंबल का हृदय है या हार्ट है, वो एक बहुत कठिन जगह है, और इसलिए पापा को लगा कि मुझे वहां जाकर प्रभु की सेवा करनी चाहिए। 1961 में वे ग्वालियर पहुंचे हम सबको लेके। उसी साल वहां पर एक मंडली का आरंभ हुआ और आज भी ग्वालियर में वो मंडली बहुत सक्रिय है और उस मंडली के द्वारा आसपास और बहुत सारी मंडलियों की स्थापना हुई है। लगभग वहां ग्वालियर में रहते हुए प्रभु ने अपनी मिनिस्ट्री के लिए मुझे तैयार किया। एक्चुअली बचपन से मेरी इच्छा थी एक वैज्ञानिक बनने की, प्रभु की सेवा नहीं, वैज्ञानिक बनने की इच्छा थी। और मेरे अध्यापक लोग अक्सर कहते थे कि इस क्लास में एक बालक के बारे में हमें श्योर है कि वो एक वैज्ञानिक बनेगा। लेकिन मेरे जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण मुझे जीवन मोड़कर देखना पड़ा कि प्रभु की क्या इच्छा है। उसमें से पहली घटना थी जब मैं 9th में पढ़ता था तब मुझे पहला स्ट्रोक हुआ। मैं बेहोश हो गया, मुझे स्कूल से उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ा। एक महीने के करीब मेरी नजर जाती रही, लेकिन उसे एक महीने के बाद फिर से प्रभु ने मुझे नजर वापस किया। और काफी ब्रिलियंट विद्यार्थी होने के कारण एक महीना क्लास से दूर रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा, अच्छे नंबर आते रहे, आगे पढ़ता रहा। लेकिन बीएससी फर्स्ट ईयर में जब मैं पढ़ रहा था तब भी लोग हमेशा कहते थे हमें यकीन है कि हमारे बीच में एक वैज्ञानिक जरूर होगा भविष्य में। लेकिन बीएससी फर्स्ट ईयर में जब मैं थ्रीफोल्ड सीक्रेट ऑफ द होली स्पिरिट नामक एक पुस्तक पढ़ रहा था तब प्रभु की आत्मा ने मेरे दिल में कार्य किया और मैंने कहा कि प्रभु
मेरी इच्छा तो एक वैज्ञानिक बनने की है, लेकिन यदि आप मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाते हैं तो मैं निश्चित रूप से अपनी नौकरी छोड़कर आपकी सेवा में आ जाऊंगा। बीएससी फिजिक्स में मैंने की, उसके बाद एमएससी फिजिक्स कर रहा था, वहां पर भी सब लोगों को ये यकीन था कि हमारे बीच में से एक वैज्ञानिक निकलेगा, लेकिन प्रभु बार बार ये बात याद दिलाते थे कि पुत्र वैज्ञानिक बनना अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सेवा में आओ। एमएससी में पढ़ते समय जब मैं एमएससी फाइनल में था तब मुझे दूसरा स्ट्रोक हुआ। ये एक विशेष प्रकार का स्ट्रोक है जिसमें आदमी के आंखों की रोशनी चली जाती है। एक महीने के बाद मैं फिर नॉर्मल हो गया, दुगने उत्साह के साथ मैं अपनी पढ़ाई में लगा रहा। लेकिन इन सारे सालों में जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि 15 साल की उम्र में ही मुझे हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो गया था, 18 साल की उम्र से मैं दवा खाने लगा था और इसी कारण मुझे ये स्ट्रोक होते जा रहे थे। लेकिन इन सब से उत्साह हारे बिना मैं पढ़ता रहा, एमएससी की। एमएससी करने के बाद कुछ समय नौकरी की, लगभग 3 साल मैंने नौकरी की। शादी का जब प्रपोजल आया तब मैंने क्लियरली बोल दिया था कि मुझे प्रभु की तरफ से बुलावा है और जिस क्षण प्रभु बताएंगे कि मुझे नौकरी छोड़नी है मैं नौकरी छोड़ के चला जाऊंगा। तो जिस बहन से मेरा प्रपोजल हुआ था वो स्वयं प्रभु की सेवा में जाना चाहती थी, आज इस ऑडियंस में मौजूद है। यदि आप देखेंगे तो मेरा अनुमान है कि मिसेस शांता फिलिप नाम से जो मोबाइल, हाँ शांता जॉनसन नाम से जो मोबाइल लिंक है वो मेरी वाइफ है। मैं फर्स्ट फ्लोर पर बैठकर आपसे बोल रहा हूँ, वो ग्राउंड फ्लोर से अपने कंप्यूटर पर अटेंड कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनको भी प्रभु की तरफ से बुलाहट है। इस तरह से 1982 में हमारी शादी हुई। शादी के पहले ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी और शादी के 2 साल बाद प्रभु ने बहुत क्लियरली इंडिकेट किया कि पुत्र ये सही समय है। इस तरह से 1984 में मैंने नौकरी से इस्तीफा दिया और हम दोनों प्रभु की सेवा में आ गए। 84 से आज तक हम प्रभु की सेवा में बहुत सक्रिय रहे। मेरे कुछ अध्यापकों के द्वारा प्रभु ने हिंदी के प्रति मेरे प्रेम को बहुत अधिक बढ़ा दिया और बचपन से मेरी, खासकर जब मैं स्कूल में था तब से मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी कि जब मैं जनता से बात करूं, लोगों से बात करूं, तो उनको लगे कि अरे बाप रे कितने सरल तरीके से वो विषय समझा रहे हैं, मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो इस कारण जितने लोगों ने पिछले 3 हफ्ते प्रभु का संदेश सुना है वे लोग इस बात को जानते हैं कि आपके सामने नाटक करने या ड्रामा करने के बदले या मोनो एक्टिंग के बदले मेरा जोर इस बात पर रहा कि प्रभु का वचन सरल से सरल शब्दों में आपके सामने रखूं। इस तरह से 84 में प्रभु के सेवा में आने के बाद सक्रिय रूप से मैं ग्वालियर में प्रभु की सेवा करता रहा। लेकिन इस बीच 93 में मुझे तीसरा स्ट्रोक आया और तीसरे स्ट्रोक में फिर से एक महीना बिस्तर से उठ नहीं पाया। शरीर पैरालाइज नहीं होता है लेकिन मैं उठकर कोई कार्य नहीं कर सकता क्योंकि आंखों की रोशनी बहुत कम हो जाती है। उस समय डॉक्टर्स की टीम जिन्होंने मुझे एग्जामिन किया, मेरे ही फ्रेंड्स थे, तब तक वे लोग उस शहर के एक से एक बड़े एक्सपर्ट्स बन गए थे। उन्होंने कहा कि जॉनसन, ग्वालियर की जो भयानक गर्मी है, समर में 50 तक जाता है और भयानक ठंड विंटर में -4 तक जाता है, इसको तुम्हारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता। बचपन से तुम ब्लड प्रेशर के कारण कमजोर हो, इस कारण ऐसी जगह पर शिफ्ट हो जाओ जहां पर ना तो ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा ठंड हो। उन दिनों में साल में 4-4, 5-5 ट्रिप केरल लगाया करता था मिनिस्ट्रीज के लिए और सबने ये बात नोट की थी कि केरल के आबो हवा में मेरा स्वास्थ्य एकदम से ठीक रहता है। इस कारण फाइनली 1993 में स्ट्रोक हुआ, 1994 में हम परिवार समेत केरल शिफ्ट हो गए। जब मैं केरल शिफ्ट हुआ मेरे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न था, प्रभु मैं तो उस देश में विदेशी हूं, ना तो वहां की भाषा ढंग से बोल पाता हूं और ना तो वहां का खाना मुझे पसंद है, वहां जाके मैं क्या करूंगा। और जो लोग मुझे जानते थे उन लोगों ने भी यही प्रश्न पूछा कि बाप रे ये अंग्रेज
वहां जाके क्या करेगा, मतलब अंग्रेज से मेरा मतलब विदेशी आदमी वहां क्या करेगा, उस कल्चर में भी फिट नहीं होता, वहां की भाषा भी नहीं बोल पाता, वहां का खाना भी नहीं पसंद है। लेकिन इसके पीछे प्रभु की एक योजना थी। 94 में हम लोग केरल आए, 6 साल में मेरा स्वास्थ्य फिर से एकदम से नॉर्मल हो गया, अच्छे घोड़े के समान सरपट दौड़ने लगा। वो समय है जब साजू मेरे विद्यार्थी के रूप में आए थे, जिनसे आज सालों के बाद मेरी मुलाकात हो रही है। साजू चाको नाम से आज उन्होंने लॉग इन किया है। 2000 के आसपास जब मैं एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त था, तब केरल में एक नई प्रक्रिया आरंभ हुई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और आसाम से माइग्रेंट लेबरर्स केरल आने लगे। सिर्फ हिंदी बोलते हैं, नौकरी जैसे तैसे कर लेते हैं, लेकिन हैं उत्तर भारतीय। ये देख के मुझे एकदम से लगा कि बाप रे, प्रभु ने मेरे लिए रास्ता खोला है। मैंने हिंदी में ट्रैक्ट्स लिखना और प्रिंट करना शुरू किया। कई लोगों ने जब ये देखा तो उन लोगों ने भी मुझे ट्रैक्ट लिखने के लिए कहा, उन लोगों ने स्पॉन्सर किया। उस समय मैं त्रिशूर में एक बाइबल स्कूल है रहोबोध थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, वहां काम करता था। मेरे सहकर्मी जिनका नाम कई जगह मेरे नाम के साथ आता है, डॉक्टर सनीश चरियान, ये ट्रैक मैंने लिखे, उन्होंने प्रिंट किए। वे उस समय वहां एक क्रिस्टियन बुक शॉप चलाते थे जिसमें भारी स्टॉक रहता था हिंदी ट्रैक्स का। त्रिशूर एरिया से न केवल ब्रदरन लोग लेकिन पेंटिकॉस्टल लोग भी आकर हमसे लाखों ट्रैक ले जाते थे हिंदी में। इस तरह से हिंदी में एक मिनिस्ट्री का आरंभ हुआ। तब ये बात समझ में आई कि प्रभु मुझे वहां से खींच के यहाँ लाए, स्वास्थ्य लाभ करवाया और उसके बाद फिर सेवा के लिए एक बहुत बड़ा हिंदी प्रदेश खोल दिया। उसके बाद तो हिंदी मिनिस्ट्री लगातार बढ़ती चली गई। आज से लगभग 5 साल पहले मेरी मंडली के एक युवा भाई हैं जेफरी नाम से, वो भी अक्सर इस मीटिंग, हाँ जेफरी आए हुए हैं, जेफरी मैथ्यू नाम से उन्होंने लॉग इन किया है। लगभग 5 साल पहले उन्होंने मुझसे कहा कि अंकल अपने को एक हिंदी मीटिंग करना है, स्टार्ट करना है नियमित रूप से। जेफरी बहुत जूनियर है, अभी अभी 5 महीने तो पहले उनका बच्चा हुआ है। इतने जूनियर भाई ने जब कहा तो कई लोगों को लगा कि मजाक कर रहा होगा, लेकिन जेफरी इतना समर्पित भाई है, मैंने तुरंत हाँ कहा। उन्होंने जाके मंडली से कहा, मंडली ने तुरंत हाँ कहा और इस तरह से हिंदी सभा का आरंभ हुआ, जो केरल में सबसे बड़ी जो हिंदी गॉस्पेल प्रोग्राम है उसमें से एक बन गए, सिर्फ एक युवा भाई के समर्पण के कारण। मेरा रोल तो वहां इतना है कि मैं संदेश देता हूँ, संदेश हिंदी धारा प्रवाह बोलने के लिए, वहां अन्य कोई नहीं है। हिंदी में मिनिस्ट्री करने के लिए, टूटी फूटी बोलने के लिए कई लोग हैं, तो संदेश मैं दे दिया करता हूँ, लेकिन मिनिस्ट्री भाई जेफरी की है। तो उनकी मदद के लिए प्रभु मुझे वहां से, उत्तर भारत से केरल लाए। इस मिनिस्ट्री के द्वारा कई लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया है। एक पिता और 2 पुत्रियां, उन्होंने यहाँ बपतिस्मा लिया, बिहार के हैं, वे हमारे साथ फेलोशिप में हैं। उसके अलावा 10-12 लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया और उनको हम ट्रेनिंग दे रहे थे, और ये उम्मीद थी कि वे लोग बहुत जल्दी ही बपतिस्मा लेंगे, लेकिन तब तक ये कोविड आ गया और उसके साथ साथ हमारी हिंदी मीटिंग जो है उसको बंद करना पड़ा। लेकिन हम सबको इस बात का पूरा यकीन है कि प्रभु जल्दी ही ये सब स्टार्ट करने में हमारी मदद करेंगे। तो मैं जब अपने जीवन को मुड़कर देखता हूं तो मेरे जीवन में जो कुछ प्रभु ने अलाउ किया वो सब मुझे जीवन में एक दिशा में ले जा रहा था। आज मैं आपके सामने बैठकर उत्साह के साथ संदेश दे रहा हूं, लेकिन इस तरह से आपके सामने आने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक दिन में 10-12 दवाएं लेनी पड़ती हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर के साथ धीरे धीरे डायबिटीज भी आ गया, आर्थराइटिस भी आ गया, क्या नहीं आया ये पूछना चाहिए। लेकिन इन चीजों ने कभी मेरे उत्साह को कम नहीं किया है। डॉक्टर जो भी बोलते हैं उसको मैं फेथफुली करता हूँ, जिससे कि मैं स्वस्थ रहूं, क्योंकि मेरे जीवन में मेरी प्रभु से मेरी प्रार्थना है, प्रभु आपने मेरे जीवन में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना या 60 गुना करने में आप मेरी मदद करें। इस ऑडियंस में जो लोग मलयालम पढ़ते हैं उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं, मेरा जो जीवन चरित्र है, 800 पन्ने की एक किताब है, इस
इसे कॉम्प्लीमेंट के रूप में आप पा सकते हैं। मैंने अपना फोन नंबर बताया था, आज भी क्लोजिंग में फोन नंबर बता दूंगा, उस पर यदि आप अपना एड्रेस भेज देंगे तो ये मलयालम पुस्तक गिफ्ट के रूप में हम आपको भेज देंगे। इसका इंग्लिश वर्जन इससे बहुत पहले तैयार हो चुका है लेकिन वो अभी तक प्रिंट नहीं हुआ है। प्रभु की दया हुई तो दिसंबर तक डिजिटल प्रिंटिंग के रूप में आ जाएगा। तो यदि अभी से आप अपना एड्रेस दे देंगे और इंग्लिश की मांग करेंगे तो जब वो प्रिंट हो जाएगा तब हम आपको भेज देंगे। ये मैं जो क्लासेस यहाँ ले रहा हूँ, प्रभु की दया हुई तो इनको एडिट करके YouTube पर पोस्ट कर देंगे जिससे कि ये वीडियोस आप देख सके। उसकी सूचना उन WhatsApp ग्रुप्स में दे दी जाएगी जहां पर इस मीटिंग के बारे में आपने इस मीटिंग की सूचना देखी थी। आइए, ये जो चार दिन आप हमने क्लासेस लिए थे उसके सारांश के रूप में मत्ती 19 को जरा देखें। लेकिन संदेश से पहले एक बार और मैं प्रार्थना के लिए एक दो बातें बताना चाहता हूँ। मेरे दो बच्चे हैं, बेटा है बेटी है, बेटा और वाइफ बैंगलोर में है, उसकी वाइफ की अभी भी PhD की पढ़ाई चल रही है, उसके लिए उनके लिए प्रार्थना करें कि उनकी पढ़ाई समाप्त हो जाए। बिटिया और हस्बैंड दोहा में है, उनकी एक 2 साल की बेटी भी है। बिटिया एक लेखक है, आप में से जो लोग GLS का हार्वेस्ट टाइम्स पढ़ते हैं उसमें आशा नाम से, आशा चांडी अलेक्सेंडर नाम से जो लिखती है वो मेरी बेटी है। मेरी वाइफ भी आत्मिक जीवन में काफी सक्रिय है, उनकी अपनी मिनिस्ट्री अलग से चलती रहती है, तो उनको भी प्रार्थना में याद रखिए। इसीलिए वो अलग कंप्यूटर से उन्होंने लॉग इन किया क्योंकि उनकी जो जूम मिनिस्ट्री है वो ग्राउंड फ्लोर से चलती है। मेरे साथ मेरे पिताजी हैं, उनको प्रार्थना में याद रखें। आप 1957 में केरल छोड़कर केरल के बाहर गए थे, राजस्थान जाकर वो जो उपद्रव सहा उसके बाद ग्वालियर में मंडली चालू की, 91 साल के हैं। आज से साल भर पहले उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, हम उनको गांव से अपने पास ले आए, बोल दिया कि अब हम वापस जाने नहीं देंगे, हमारे साथ हैं, खुश हैं। और 91 साल के एक व्यक्ति के हिसाब से वे काफी सक्रिय हैं, उनको भी प्रार्थना में याद रखिए। ग्वालियर की जो मंडली है इस समय उड़ीसा के मूल उड़ीसा के भाई हैं रंजीत कुमार बाग, वे उस मंडली को देखते हैं और वहां मिनिस्ट्री काफी सक्रिय रूप से हो रही है। और उन्होंने वहां उस आसपास के इलाके में कई मंडलियों की स्थापना की है, उनके कई लोग सहकर्मी लोग हैं। उस मिनिस्ट्री को भी प्रार्थना में याद रखें। 2-3 साल पहले मुझे 1 साल में 3 सर्जरी करवानी पड़ी थी, उसके बाद से मैं चंबल नहीं गया, वरना साल में 3-4 चक्कर मेरे और वाइफ के या वाइफ के अकेले से या मेरे अकेले जो है लग जाते थे। सर्जरी के बाद हम नहीं जा पाए, बड़ी इच्छा है प्रभु मौका देंगे तो फिर से वापस जाएंगे, लेकिन ये कोविड समाप्त हो तभी जा पाएंगे। तो ग्वालियर की मिनिस्ट्री को भी, भाई रंजीत और परिवार को भी आप प्रार्थना में याद रखिए, जो उस मिनिस्ट्री को पूरी तरह से ऑटोनमसली, मेरा उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, मिनिस्ट्री उनको हाथ में सौंप दी, उसके साथ साथ वे वहां के पूरी तरह से इंचार्ज है, कार्य करते हैं। इन सब मिनिस्ट्रीज को प्रार्थना में याद रखिए। मत्ती 19 के 21 में हम देखते हैं एक जवान आया था प्रभु के पास, धनी था, और उसने प्रभु से पूछा, प्रभु उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। प्रभु ने कहा ऐसा ऐसा करो, प्रभु वो तो मैं सब करता आया हूं। तो प्रभु ने कहा ऐसा ऐसा करो, फिर बोला कि हाँ प्रभु वो भी मैं करता हूं। मतलब उसको इतना घमंड था कि मैं तो परफेक्ट हूं, किसके, सृष्टा के सामने। तब प्रभु ने उससे कहा, 21वें पद में यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे। सिद्ध शब्द हिंदी में किसी जमाने में किसी और तरीके से यूज किया जाता था। प्रभु के कहने का मतलब है, तुमको लगता है तुम परफेक्ट हो, तुम बचपन से पुराने नियम की व्यवस्था का पालन करते, नहीं नहीं तुम परफेक्ट नहीं हो, यदि तुम परफेक्ट होना चाहते हो ईश्वर के सामने या परमेश्वर के सामने, तो तुम्हारे पास जो धन है सब कुछ बेच दो और कंगालों में बांट दो, उसके बाद मेरे पीछे, उसके बाद सभी लोग जरा अपने माइक ऑफ कर दें, थैंक्स।
प्रभु ने जो बात कही उसका असर क्या हुआ 22वें पद में, वो जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। एक्चुअली धनी होने के कारण उसको ये लगता था कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, मेरे जीवन में कोई गलती नहीं है और मैं जो कुछ करना चाहता हूं वो सब कर सकता हूं। प्रभु ने कहा नहीं, धन तो तुम्हारी आंखें बंद किए हुए है और तुम्हारी आंखें खुलेंगी तभी तुम मेरी सेवा सही रीति से कर सकोगे। यह सुन के प्रभु के शिष्यों को बहुत ताज्जुब हुआ। जब शिष्यों को ताज्जुब हुआ तो प्रभु ने इस बात को बहुत विस्तार से समझाया, जो कि हम 20वें अध्याय में देखते हैं। 20वां अध्याय मेरे आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। आज जितने लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं सबसे मेरा अनुरोध है कि इस अध्याय में प्रभु जो कहना चाहते हैं उसको बहुत सीरियसली सुनकर आने वाले दिनों में हमारे व्यावहारिक जीवन में हम उसका पालन करें। 20वें अध्याय के पहले पद में हम देखते हैं, स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगा है। जब प्रभु ये बोल रहे थे एकदम से तो शिष्यों को ये बात समझ में नहीं आई। कई बार हम जब इस भाग को पढ़ते हैं हम भी ये भूल जाते हैं कि प्रभु यहाँ क्या कहना चाहते हैं। यहाँ एक्चुअली वो गृहस्थ मतलब वो मालिक, प्रॉपर्टी का मालिक, सारी पृथ्वी के इस सारे विश्व के सृष्टा और इस सृष्टि के नियंत्रण करने वाले परमेश्वर को बताते हैं। वो अपने बगीचे में अपने फार्म हाउस में मजदूरों को लगाना चाहता था। संसार के सृष्टा का फार्म हाउस है संसार। इस संसार में जो लोग हैं वे उन पेड़ों के समान है जो इस फार्म हाउस में लगा दिए गए हैं और संसार के सृष्टा फार्म हाउस में मजदूरों को लगाने के लिए सुबह सुबह बाहर निकले। कौन है मजदूर? मैं और आप, जो उस सर्वेश्वर के लिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए काम करते हैं। आप पूछेंगे ब्रदर, यदि संसार में जो लोग हैं वे परमेश्वर के फार्म हाउस के पेड़ और पौधे हैं, तो संसार के लोगों के लिए प्रभु ने हमको मजदूर लगाया है क्या? जी हाँ, ये मेरा उत्तर नहीं है। प्रभु का वचन स्पष्टतया बताता है कि प्रभु ने मुझे और आपको इस संसार में इसलिए रखा कि संसार के लोग मेरे आपके द्वारा, मेरे आपके जीवन के द्वारा, मेरी आपकी वाणी के द्वारा, मेरे आपके प्रोत्साहन के द्वारा, मेरे आपके नमूने के द्वारा, वे लोग नंबर वन अपने जीवन में प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें। नंबर टू, मुक्तिदाता को ग्रहण करने के बाद उत्साह के साथ आत्मिक जीवन बिताएं। नंबर थ्री, उत्साह के साथ आत्मिक जीवन बिताते समय उनके जीवन में यदि किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो हम उनको प्रोत्साहित करें। नंबर चार, जीवन भर इस फार्म हाउस में जितने लोग हैं हम उनका पोषण करें। इसका मतलब ये हुआ, आप में से जो लोग फेसबुक में ब्रदरन असेंबली न्यूज नाम के ग्रुप में हैं, जिसमें 40,000 के करीब सक्रिय लोग हैं, उसमें यदि आपने ध्यान दिया हो, पिछले लगभग 4 हफ्ते से मैं एक लेखन परंपरा लिख रहा हूं, अगले 18 महीने हमारी जिम्मेदारी, जिसमें मैंने ये बात बताई है कि कोविड के कारण जब हमारे चारों ओर महामारी में लोग गिरते जा रहे हैं, हिंदुस्तान में ऑलरेडी 60,000 लोग इस महामारी के कारण जा चुके हैं और ऐसा अनुमान है कि ये संख्या, डॉक्टर्स का कहना है कि कम से कम 2,00,000 लोग आने वाले दिनों में टोटल इस कारण गुजर जाएंगे। इसके कारण हमारे आसपास कितने ही परिवार हैं जो भूखे हैं, नंगे हैं, जिनके पास पर्याप्त जगह नहीं है, पर्याप्त भोजन नहीं है।
ऐसे कितने सारे परिवार है जो रोटी और रोजी खो चुके हैं। मैं शहर से बाहर एक रूरल यूनिवर्सिटी एरिया में रहता हूँ। यहाँ की एक विशेषता है कि मुझ जैसा, मैं 26 साल से यहाँ हूँ और जब भी बाजार जाता हूँ तो घर से यहाँ से एक फरलांग दूर नुक्कड़ है जहाँ सारी दुकानें हैं, मैं हमेशा पैदल जाता हूँ। बस अब ये कोविड सीजन आया तो ना केवल मास्क लगाता हूँ, जानबूझकर कार में जाता हूँ जिससे इवन हवा कम से कम बाहर से लेना पड़े, लेकिन बाकी सब ये सारे 26 साल मैं पैदल जाता हूँ, जाता रहा। वहां सारे ऑटो रिक्शा ड्राइवर वाले, सारे दुकानें, वहां जो लोग नियमित रूप से आते जाते हैं वो लोग जानते हैं। उसका एक परिणाम मैंने देखा कि अक्सर जब मैं जाता हूं तो लोग आके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, खाने की गुंजाइश नहीं है, कुछ कर दीजिए मेरे लिए। वो सब लोग जानते हैं कि मैं इस कोई नगर सेठ नहीं हूं, सब लोग जानते हैं कि मैं नगर सेठ नहीं हूं, मैं कोई करोड़पति या कुबेर नहीं हूं, लेकिन इसके बावजूद आकर हाथ फैलाते हैं। और मेरी हमेशा कोशिश रही है कि अपनी उस समय जेब में जो है उसके हिसाब से उनकी कुछ मदद करूं। ये अनुभव मेरे लिए एक बहुत आंख खोल देने वाला एक अनुभव था। उसके आधार पर मैं ये लेख परंपरा मैंने लिखना शुरू किया कि इस सीजन में कोई भी आपके पास आए मदद करने के लिए, हो सकता है 10 लोग आए उसमें से 5 चोर हों, लेकिन कम से कम 5 ऐसे होंगे जो भूखे हैं, जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे और आपको प्रभु ने इस जो फार्म हाउस में रखा है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम खासकर ऐसी महामारी के समय यदि कोई हमारी मदद मांगता है तो हम जितना हो सकता है, कोई ज्यादा की जरूरत नहीं, जितना हो सकता है उनकी मदद करें, लेकिन उसके साथ साथ एक काम और जरूर करें, प्रभु यीशु का शुभ संदेश उन लोगों को जरूर सुना दें। इसलिए कुछ गॉस्पल्स, कुछ ट्रैक्स वगैरह लोकल भाषा में अपने साथ रखे रहें। एक चीज मैं याद दिलाना चाहता हूँ, एक प्रेम की कहानी नाम से 48 पन्ने का एक कॉमिक है जिसमें प्रभु यीशु का सृष्टि से लेकर प्रभु के दोबारा आने तक का वर्णन बहुत साफ साफ चित्रों में दिया है। मैंने और भाई सनीश चरियान ने इसकी रचना की है। अंग्रेजी में, हिंदी में और मलयालम भाषा में ये पुस्तक फ्री उपलब्ध है। केरल में इवेंजेलिकल लिटरेचर मिनिस्ट्री नाम की ब्रदरन मिनिस्ट्री है, उससे आप ये फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप उस मिनिस्ट्री के बारे में नहीं जानते तो मुझे व्हाट्सएप से संदेश दीजिए, मैं आपसे संपर्क करवा दूंगा। मेरी आदत है कि तीनों भाषाओं में ये पुस्तक हमेशा साथ में रखता हूँ, और यदि किसी को एक 10 रुपए का नोट या 20 का नोट देता हूँ तो हमेशा उसके साथ साथ ये पुस्तक जरूर दे देता हूँ। कल जब मैं बाजार गया कुछ सब्जी वगैरह लेने के लिए तो मैं हैरान रह गया। एग्जैक्टली इसके पहले 2-3 बार मुलाकात हो चुकी है, बहुत ही गरीब एक माँ और बेटी गाड़ी के सामने आके खड़े हो गए, खाना नहीं खाया है, कुछ मदद कीजिए। खाने लायक पैसा मैंने दिया, केरल में खाना बहुत सस्ता मिल जाता है, 50 रुपया यदि देखे होटल में बंडल ले लें तो 3 लोग भरपेट खा सकते हैं, खाने के लिए दिया। तब उन्होंने एक बात कही उस महिला ने, लास्ट टाइम आपने चित्र वाली एक किताब दी थी, हमको अच्छा लगा पढ़कर, यदि आप कोई और किताब दे सकें तो आज दे दीजिए। कुछ नए नियम भी मैं अक्सर पास में रखता हूँ गाड़ी के अंदर, एक नया नियम उनको दिया और बोला कि इसको शुरू से पढ़ना, कोई चीज समझ में ना आ जाए तो वो पोर्शन छोड़ देना, आगे पढ़ते रहना। तो मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, ये एक ऐसा मौका है जब लोगों के जीवन में मदद करने का मौका है, उसके साथ साथ प्रभु यीशु का शुभ संदेश सुनाने का भी मौका है। जब प्रभु के वचन में कहा है कि स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सुबह निकला कि अपने फार्म हाउस में मजदूरों को लगाएं, तो हम में से हर व्यक्ति को ये बात समझ लेनी चाहिए कि प्रभु ने हमारे जीवन में जो इन्वेस्टमेंट किया वो इसलिए किया कि संसार रूपी ये जो फार्म हाउस है इसमें पेड़ पौधे रूपी जो पुरुष, स्त्री और बच्चे हैं उन सब की
सुरक्षा के लिए, घास फूस को खोद कर हटा के फेंकने के लिए, खाद डालने के लिए, पानी डालने के लिए, मतलब उनका पोषण करके उनको प्रभु के पास लाने के लिए, और प्रभु के पास लाने के बाद जीवन भर भरसक उस व्यक्ति को आत्मिक जीवन में प्रोत्साहित करने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है। यदि ये बात हम भूल जाएं, तो हमारा आत्मिक जीवन व्यर्थ है। क्यों? इसलिए कि प्रभु ने हमारे अंदर जो निवेश किया, जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसको यूज नहीं करेंगे तो फिर काहे के लिए जी रहे हैं। ये बात कभी ना भूलें कि प्रभु ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका सही यूज हम नहीं करेंगे तो जो है वो भी हमसे छीन लिया जाएगा। ये एक शाश्वत नियम है, जिसके पास नहीं है उससे वह भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है, और उसको दे दिया जाएगा जिसके पास बहुत है। दूसरे पद में हम पढ़ते हैं, उसने मजदूरों से एक दीनार रोज पर ठहरा कर उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। हम में से जिन्होंने भी मजदूरों को घर पर काम के लिए बुलाया है, वे लोग जानते हैं कि मजदूरों के साथ थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए वहां पर एक दीनार ठहराया या एक दीनार तय किया। एक दो बातें यहां याद दिलाना चाहता हूं। कुछ और आगे जब हम जाते हैं तब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मालिक ने मजदूरों से नहीं ठहराया था, मजदूरों ने मालिक से बार्गेन किया था, मोल भाव करके ठहराया था। तो यहां एक दीनार ठहराया, एक दीनार तय किया, इसे मालिक ने नहीं तय किया था, मजदूरों ने तय किया था। मैं और आप, जब प्रभु मुझे और आपको अपनी सेवा में बुलाते हैं, सेवा से मेरा मतलब नहीं है फुल टाइम मिनिस्ट्री, जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में है मेरे समान, वे लोग तो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का वचन उत्पत्ति से लेकर हमको याद दिलाता है कि हर व्यक्ति प्रभु की सेवा में, आदम हव्वा प्रभु की सेवा में थे, क्योंकि आदम हव्वा को बगीचा देने के बाद प्रभु ने कहा था कि वे उसकी रखवाली करें। तो हम में से हर व्यक्ति प्रभु की सेवा में, और इसलिए जब हम प्रभु की सेवा में हैं, तब हमारे मन में कई बार इच्छा हो जाती है कि प्रभु से थोड़ा बहुत मोल भाव करें, प्रभु मैं तो सब छोड़कर आपके पीछे हो लिया, आप मेरी मदद करेंगे ना। लोग करते हैं क्या? जी हाँ, प्रभु के शिष्यों ने तो प्रभु से पूछा था, प्रभु हम तो सब छोड़ के आपके पीछे हो लिए हैं, हमको क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा, उसका जवाब यह था, मेरे नाम से एक कटोरा पानी यदि किसी ने किसी को दिया है तो प्रतिफल नहीं खोएगा। तो यहां जब सर्वेश्वर मालिक मजदूरों को, मतलब मुझे और आपको अपनी सेवा के लिए बुलाते हैं, तो हमें प्रभु से बार्गेन नहीं करना चाहिए, लेकिन इन मजदूरों ने प्रभु के साथ बार्गेन किया और बार्गेन करके एक दीनार फिक्स किया। इस बार्गेनिंग के पीछे एक रहस्य है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन दिनों जो लोग नौकरी इस तरह से डेली वेजेस पर काम करते थे, उन लोगों की नौकरी एक चौथाई दीनार से अधिक नहीं होती थी। नॉर्मली एक हफ्ता काम करने पर एक दीनार मिलता था। उस जमाने में रोमन जो सैनिक होते थे उनको तो मुश्किल से आधा दीनार मिलता था एक दिन में, तो मजदूर को एक दीनार कैसे मिलेगा? लेकिन ये मजदूर, उसको लगा कि हाँ मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, और मेरे भुजबल के द्वारा मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, और यदि इस आदमी को चाहिए तो मैं जो बोलूंगा उस रेट पर मुझे फिक्स करे। इसलिए उसने मालिक से बार्गेन करके 6 दिन में उसे जो तनख्वाह मिलनी चाहिए या जो मिलना चाहिए वो एक दिन के लिए फिक्स किया। उसको लगा कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूं, देखा कैसे लूटा, और मूर्ख वो मालिक, उसने दे भी दिया, मान भी गया। मैं और आप कई बार प्रभु के बारे में इसी तरह से सोचते हैं,
कि मैंने प्रभु के ऊपर बड़ा एहसान कर दिया, मुझे तो बहुत फायदा हो गया। प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे आपके जीवन में प्रभु ने जो इन्वेस्ट किया है, इस बात को याद रखें कि वे ना केवल सर्वशक्तिमान हैं, वे सर्वज्ञानी भी हैं, और इस कारण उनके सामने किसी भी तरह का घमंड करना या उनसे किसी तरह से मोलभाव करना हमारे जीवन की सबसे मूर्खता से भरी हुई बात होगी। मनुष्य परमेश्वर से बार्गेन नहीं कर सकता है, ये याद रखें। लेकिन कई बार जब हम हेल्दी होते हैं तब प्रभु के साथ बार्गेन करते हैं, जिसके मोल भाव करते हैं, जो एक या दो पद के बाद मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा। तीसरे पद में हम देखते हैं, पहर एक दिन चढ़े निकलकर औरों को बाजार में देखकर उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। अपन लोग टाइम पहर के हिसाब से नहीं देखते, इसलिए मैं जरा वो क्लियर कर दूं। मजदूर को 6 बजे काम पे भेजा जाता था, शाम को 6 तक काम करता था, 12 घंटे काम करना पड़ता था। ये 8 घंटे का जो हिसाब है, ये 1800 के आसपास, 1800 या मतलब 1800s के आखिरी कालों में ये नियम आया कि मजदूरों से 8 घंटे से, उनको 8 घंटे से ज्यादा काम न करवाया जाए। पुराने जमाने में मजदूर को 12 घंटे काम करना पड़ता था। 12 घंटे 4 पहर में डिवाइडेड थे, 6 बजे, 6 और 4 10 बजे, 10 और 4 2 बजे, 2 और 4 6 बजे। तो यहां हम देखते हैं, पहर एक दिन चढ़े, मतलब सुबह 6 बजे नौकरों का एक जत्था फार्म हाउस में भेज दिया, 10 बजे मालिक बाहर जाकर, वहां खड़े हुए कुछ लोग थे, देखा तो उनसे कहा कि जाओ तुम भी काम करो और जो उचित है मैं दूंगा। यहां मोलभाव नहीं हुआ। देखिए, प्रभु का वचन कहता है 4th पद में, जो उचित है, जो ठीक है मैं तुमको दूंगा। याद रखें, मजदूर हमेशा ये सोचता है कि मैं तो लूट जाऊंगा, यदि मुझे कितना देना है ये मालिक को छोड़ दिया जाए तो मैं तो लूट जाऊंगा, मालिक तो कंजूसी से देगा। लेकिन इस घटना में हम देखते हैं कि ये जो मजदूर थे जिनको किसी ने काम पर नहीं लगाया, और अब 10 बजे उनको कोई काम में नहीं लगाता, जब उनसे मालिक ने कहा कि जो उचित है मैं दूंगा, तो जल्दी तैयार हो गए। इसके पीछे कारण है, जब जीवन में हम अपनी असहायता देख लेते हैं। देखिए, मजदूर कौन है? सुबह काम पे जाता है, मिल जाता है तो काम करता है, उस दिन मिले पैसे से उस दिन का खाना खरीदता है, कल के लिए शायद उसके पास कुछ भी बाकी ना बचे, जिसको हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस कहा जाता है। 10 बजे तो इस बात, ये बात निश्चित हो गया था कि अब कोई हमको नौकरी पर नहीं लगाएगा। अपनी असहाय अवस्था पर जब वो वहां खड़े होकर सोच रहा था, तब मालिक ने कहा कि भाई जो उचित है मैं दूंगा। उस समय उसने बार्गेन नहीं किया, क्यों? तब तक उसमें इतनी अकल आ गई थी कि तू असहाय है, अपने बल पे तू कुछ नहीं कर सकता, और यदि अपने बल पे करने की कोशिश करेगा तो आज तू भी भूखा रहेगा, तेरे बीवी बच्चे भी भूखे रहेंगे, इसलिए ये पहचानो कि ये मालिक कौन है। उसने स्वामी को पहचाना, और इसलिए उसने स्वामी से ना तो मोलभाव किया, स्वामी से इतना तक नहीं पूछा कि स्वामी जो उचित है आप देंगे, आप किस क्या उचित समझते, नहीं पूछा। मेरे आपके जीवन में प्रभु ने जो निवेश किया है उसका यदि सही उपयोग होना है, तो पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि स्वामी कौन है, नंबर दो, उसके बाद हमको ये समझना पड़ेगा कि स्वामी ने हमको कहाँ लगाया है, नंबर तीन, हमको ये समझना पड़ेगा कि स्वामी की इच्छा के अनुसार छोड़ दो, मोल भाव मत करो। 5वें पद में हम देखते हैं, फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। तीसरे पहर का मतलब है शाम को 4 बज गए, नहीं, आई एम सॉरी, तीसरे पहर का मतलब है 2 बजे के करीब।
बाहर गया स्वामी, मजदूर खड़े देखे, क्यों वहां क्यों खड़े थे, वो इनको लगाने वाला तो नहीं था। अब घर जाके क्या करते, हाथ में फूटी फूटी कौड़ी नहीं है, घर जाके बीबी बच्चों को रोता हुआ चेहरा दिखाएंगे क्या, इसलिए वो लोग खड़े रहे थे। ये मजदूरों की साइकोलॉजी है, मैंने इसको बहुत देखा है। मैंने बोला ना मेरे घर से एक फरलोन दूर नुक्कड़ है जहां सारी दुकानें हैं, सुबह 5 बजे वहां पहुंच जाइए, कम से कम 400-500 मजदूर खड़े रहते हैं। 10 बजे जाइए, किसी भी दिन 10 बजे के करीब चले जाइए, कम से कम 50 के करीब मजदूर वहां खड़े दिखते हैं। किसी ने उनको नहीं लगाया उस दिन, नौकरी पे नहीं लगाया, इसलिए मजबूरी के साथ खड़े हैं। घर क्या वापस जाएं, बीबी बच्चों को क्या मुंह दिलाए दिखाएं, इसलिए खड़े रहते हैं। यही स्थिति थी प्रभु ने जो कहानी सुनाई उसमें। दूसरे और तीसरे पहर में भी मालिक बाहर गए, मजदूर वहां खड़े हुए दिखाई दिए, बोला जाओ काम करो, जो उचित है मैं दूंगा। उन्होंने एक शब्द भी नहीं पूछा कि प्रभु उचित क्या है, बस अपनी असहाय स्थिति को समझने के कारण प्रभु की कृपा को उन्होंने तुरंत समझ लिया। सबसे ताज्जुब की बात छठे पद में हम देखते हैं, छठा पद हम पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार 20वें अध्याय का छठा पद, जहां हम देखते हैं एक घंटा दिन रहे फिर निकलकर औरों को खड़े पाया। एक घंटा दिन निकलने पर का मतलब है, इसका क्या मतलब है, वो लोग दिन को सुबह 6 से शाम को 6 तक गिनते थे, अपन लोग दिन को रात को 12 से अगली रात 12 तक गिनते हैं। ये आधुनिक सिस्टम है, पुराना सिस्टम था सुबह से 6 से शाम को 6। इसलिए एक घंटा दिन रहे का मतलब है दिन 6 बजे समाप्त हो जाता है उनके लिए, यहूदियों के लिए। तो शाम को 5 बजे जो मालिक सुबह 5 बजे मजदूरों को बुलाने के लिए बाहर गया था, वही मालिक मतलब मेरे आपके प्रभु शाम को 5 बजे बाजार गए, औरों को खड़े पाया, उनसे कहा क्यों यहां दिन भर बेकार खड़े रहे। ये मेरे और आपसे एक प्रश्न है, प्रभु ने बुलाया है, प्रभु की वो जो बगिया है उसमें हर व्यक्ति के लिए जगह है और हर व्यक्ति के लिए बुलाहट है, फिर क्यों हम प्रभु की बुलाहट को समझ नहीं पा रहे हैं। तुम क्यों यहां दिन भर बेकार खड़े रहे, उन्होंने कहा इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मालिक जब सुबह वहां बाजार पहुंचे तो इन सब लोगों ने मालिक को देखा था, पता नहीं क्यों ये मालिक के पास नहीं गए। शाम को 5 बजे वो कहते हैं किसी ने हमको नहीं लगाया, ये बिल्कुल गलत बात है। मालिक तो घूम घूम कर सबसे कह रहे थे भैया चले जाओ, जो उचित होगा मैं दूंगा, क्यों नहीं गए ये लोग, वे ही लोग जानते हैं। लेकिन 5 बजे अब घर जाएंगे कैसे जाएंगे, दिन भर नौकरी नहीं मिली, बीवी उधर सोच रही है कि हमारे हस्बैंड मेहनत कर रहे हैं और वापस आते समय घर के लिए आवश्यक खान पान की सामग्री खरीद कर लाएंगे जिससे मैं और बच्चे खा सके। 5 बजे वहां खड़ा रहा, असहाय स्थिति, किसी ने काम पे नहीं लगाया, प्रभु ने कहा तुम भी जाओ, उनसे ये नहीं कहा कि कुछ दूंगा। जनरली सिस्टम ये होता है कि शाम को 5 बजे यदि कोई नौकरी के लिए आता है, घंटा भर काम करने के बाद मालिक कहता है घंटे भर तुमने काम किया, घंटे भर की कोई मजदूरी नहीं होती, कल सुबह 6 बजे तुम आ जाओ, कल दिन भर काम करना, या तो घंटे भर पहले मैं तुमको छोड़ दूंगा और एक दिन की मजदूरी दे दूंगा, या कल 12 घंटे की मजदूरी करना तो एक दिन की मजदूरी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं दे दूंगा, तो पैसा अगले ही दिन मिलता है। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं पूछा, मालिक ने भी कुछ नहीं बोला, उनको भी लगा कि हाँ मालिक ने हमको जाने को बोला है, घंटा भर काम करेंगे और इसलिए कल गारंटी से नौकरी मिल जाएगी, बिना मोल भाव के चले। अब क्या हुआ, 8वें पद में हम देखते हैं, 8वें पद में शाम को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर
पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दो। ये हिंदी में जो ये यूसेज है आजकल नहीं आता है। मालिक के कहने का मतलब था पिछलों से पहलों तक आजकल अपन नहीं बोलते हैं। मालिक ने कहा सबसे आखिरी से स्टार्ट करके सबसे पहले वाला जो है उस तक उल्टे क्रम से सैलरी देने के लिए बोला। ये अपने आप में ताज्जुब की बात है क्योंकि मनुष्य का सिस्टम है सीनियरिटी को प्रधानता दी जाती है, इसलिए जो पहले आया उसे पहले मिलना चाहिए। मालिक का सिस्टम अलग है। हम इस बात को कभी ना भूलें कि प्रभु मनुष्य के मापदंड के अनुसार नहीं चलते हैं, और इसलिए हम जब आत्मिक जीवन में प्रभु के साथ डील करते हैं या व्यवहार करते हैं तब अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के साथ व्यवहार करने की कोशिश ना करें। यहां एक बात और मैं आगे बढ़ने से पहले याद दिलाना चाहता हूं। हमने देखा कि जो समय से पहले आ गए थे 5 बजे उन्होंने जम के बार्गेन किया, उसके बाद सुबह 9 बजे जो थे कुछ नहीं बोले, मालिक ने कहा जो उचित है मैं दूंगा, कुछ नहीं पूछा, चले गए। उसके बाद क्या हुआ, 12 बजे लोगों को लगाया 9 और उसके बाद 4 जो लगाया 10 और 4 2 बजे जिनको लगाया उन्होंने भी कुछ नहीं पूछा, 4 बजे जिनको लगाया उन्होंने भी कुछ नहीं पूछा, 5 बजे लगाया उन्होंने तो पूछा ही नहीं, उनसे प्रभु ने भी नहीं कहा कि मैं कुछ दूंगा। इसका एक बहुत बड़ा रहस्य है, बिब्लिकल रहस्य। कई बार मेरे आपके जीवन में प्रभु की क्या इच्छा है यह हम तभी समझ पाते हैं जब हम अपने जीवन की असहाय स्थिति को देखते हैं। जब जीवन में सब अच्छा चल रहा होता है तब कई बार हम प्रभु की इच्छा नहीं देख पाते, हमारी आंखें अंधी हो जाती हैं। जैसे वो धनी युवा था जो दुखी होकर चला गया, धन ने उसकी आंखों को अंधा बना दिया था। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमको अंधा बना देते हैं। धन उसमें से एक है, सफलता एक है, नौकरी एक है, 50 बातें हैं जो हमको अंधा बना देती हैं। और अंधे हो जाने के कारण हम अपने जीवन में प्रभु की इच्छा नहीं समझ पाते हैं। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं प्रिय भाई और बहनों, हम में से आज ऐसे कई भाई और ऐसे कई बहन हैं जिनके बारे में प्रभु की विशेष रुचि है। आप कहेंगे कि हाँ ब्रदर, आप जैसे लोग जो पब्लिक मिनिस्ट्री में हैं आप में रुचि है। जी नहीं, मुझ जैसे जिनकी मिनिस्ट्री पब्लिक में है उनमें तो प्रभु की रुचि है, लेकिन इवन एक भाई या बहन जिसको लगता है कि मुझे तो प्रभु ने कोई योग्यता नहीं दी है उसमें भी प्रभु की रुचि है। और कई बार इस कारण प्रभु जानबूझकर हमें अपनी असहाय स्थिति पहचानने के लिए हमारे जीवन में ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि फाइनली हमको कहना पड़ता है प्रभु अब मेरी अकल से कुछ होने जाना नहीं है, आप मेरी मदद कीजिए। आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं उनमें यदि कोई भाई या बहन, उनमें यदि कोई बच्चा या बच्ची है जो अपने जीवन में किसी भी तरह की कठिनाई से होकर गुजर रहा हो, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं इस बात की संभावना है कि प्रभु ने यह कठिनाई आपके जीवन में इसलिए भेजी जिससे कि आप आंख खोलकर यह देखें कि मेरे जीवन में प्रभु की क्या इच्छा है। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं अपने स्वयं के जीवन से। मैं हमेशा ही फर्स्ट क्लास विद्यार्थी रहा, जहां भी जाता था वहां सफलता ही सफलता मिलती थी। जिस स्कूल से मैंने हायर सेकेंडरी पास की वहां मेरा नाम, जब अंदर जाते हैं वहां बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है। मैंने जिस यूनिवर्सिटी से एमएससी की, अंदर घुसते ही लेफ्ट साइड में आपको मेरा नाम दिख जाएगा। वहीं से मैंने पीएचडी की,
राइट साइड में मेरा नाम दिख जाएगा। इस तरह से एक सफल विद्यार्थी था। इतने सफल विद्यार्थी होने के बावजूद बीएससी फर्स्ट ईयर में मैं फेल हो गया। खूब जम के पढ़ाई की थी, कठिन परिश्रम किया था, लेकिन इसके बावजूद बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल हो गया। सप्लीमेंट्री परीक्षा उन दिनों हम लिख सकते थे, लिखने के लिए गया तो पता चला कि एग्जाम हो गया, मुझे टाइम टेबल गलत बताया गया था। मेरे जीवन में ये बहुत अधिक दुख की अवस्था थी। मैं बीएससी सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बात बता रहा हूं। सेकेंड ईयर जो व्यक्ति जिसने हमेशा सफलता देखी है, सेकेंड ईयर में जब उसने जीवन में पहली बार असफलता मुखामुख देखी, वो मेरे लिए आंख खोल देने वाला अनुभव था। और मुझे ये बताने में कोई लज्जा नहीं है कि मेरे जैसे ब्राइट विद्यार्थी ने, जिसका नाम यूनिवर्सिटी में लेफ्ट और राइट में लिखा है, मैंने बीएससी की 5 साल में, लेकिन आज मैं जब मुड़कर देखता हूं मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि प्रभु ने जानबूझकर थोड़ा सा ब्रेक लगाया था। ब्रेक लगा के मुझे 2 साल एक्स्ट्रा दिए। इन 2 सालों में सिर्फ एक विषय पढ़ना था जिसमें मैं फेल हो गया था, मैथ्स। बाकी सारा समय फ्री था। क्या किया मैंने, ये जो 2 साल थे, इन 2 सालों में सिस्टमैटिक थियोलॉजी का जम के अध्ययन किया, ग्रीक भाषा का जम के अध्ययन किया, क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स का जम के अध्ययन किया, एक से एक अच्छे पंडित, प्रभु के वचन में पंडितों को उन सालों में प्रभु ने मेरे चर्च में भेजा, जिन्होंने एक एक करके मेरी नींव डाली, सिस्टमैटिक थियोलॉजी में नींव डाली, ग्रीक में नींव डाली। परिणाम क्या हुआ कि बीएससी पास करते करते मैंने न केवल बीएससी कंप्लीट किया, ग्रीक लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो गया, चर्च हिस्ट्री में एक्सपर्ट हो गया, थियोलॉजी में एक्सपर्ट हो गया। उसके साथ साथ मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में मैंने प्रभु से प्रॉमिस किया था, प्रभु आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आपकी सेवा में जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद मेरी स्थिति उस बेलगाम घोड़े के समान थी जो हर ओर दौड़ रहा है, शक्ति और स्फूर्ति से भरा हुआ घोड़ा जो हर ओर दौड़ रहा है। प्रभु ने बीएससी में मेरे जीवन में इस तरह से असफलता, पढ़ाई के बाद असफलता भेजकर घोड़े को लगाम लगाया, वो लगाम फिर कभी नहीं हटा। मेरे आपके जीवन में जब असहाय स्थिति आती है, प्रिय बच्चों, तुम में से शायद कई लोग किसी एक बुरे टीचर के कारण, किसी एक गलत या बुरे कजिन के कारण या मित्र के कारण, प्रिय भाई और बहनों, आप शायद नौकरी में कोई बहुत ही वक्र बुद्धि का व्यक्ति, उसके कारण, या अपने किसी रिलेटिव या कजिन के कारण हो सकता है जीवन में बहुत सताव सह रहे हो। प्रभु ये दर्द के अवसर हमारे जीवन में इसलिए भेजते हैं कि हमारी आंखें खुल जाएं। मेरी आंखें खुल गईं। मैंने इन सालों का, 4 सालों का, फर्स्ट ईयर तो पास कर लेता, बाकी 4 सालों का पूर्ण उपयोग किया, लगाम लग गई, और उसके बाद कभी भी मैंने उस लगाम को उतार कर फेंकने की कोशिश नहीं की। जब मैं बाइबल सेमिनरी में गया तब मुझे उसका बहुत फायदा हुआ। वो सब अपने आप में अलग विषय है जिसका मैं डिस्क्राइब नहीं करना चाहता, लेकिन ये याद दिलाना चाहता हूं, वो मेरे जीवन की असफलता प्रभु ने जानबूझकर भेजी जिससे मेरी आंखें खुल जाएं। इन मजदूरों के साथ ऐसा ही हुआ। जब जीवन में दर्द आया, जब नौकरी नहीं मिली, शाम को 5 तक भूखे खड़े रहे, अब जाकर बीवी बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे, उन लोगों ने कोई मोल भाव नहीं किया, जाकर मेहनत से काम किया, और मालिक ने कहा, जो खजांची था उससे, कि जो सबसे आखिर में आया उससे स्टार्ट करके जो सबसे पहले आया उसको दे दो। सबसे जो आखिर में आया था वो आया आगे,
उसको तो लगा कि आज तो तांबे का एक सिक्का मिलेगा, दीनार चांदी का सिक्का होता था, तांबे का एक जरा सा सिक्का मिलेगा, वो विधवा ने जो ऑफरिंग में डाला था ना शायद वैसा सिक्का मिलेगा। उसको एकदम से शॉक लगा, उसको एक दीनार मिला, शॉक। उसको ये बात समझ में आई कि मैंने मालिक पर भरोसा रखा, ये अच्छा काम किया। लेकिन एक एक करके देते गए, तो जो घंटा भर थे उनको जब एक मिला, तो जो 12 घंटा जिसने काम किया उसको लगा कि आज तो लूट पे डबल लूट है। क्यों? सुबह 6 दिन की तनख्वाह मैंने एक दिन के लिए मांग ली और दे दिया ये इस मूर्ख ने, मूर्ख मालिक ने, और अब घंटे भर जिन्होंने काम किया उनको दे रहा है वो 6 घंटे की तनख्वाह। तो मुझे तो कम से कम दिन भर काम किया घंटे भर के लिए एक दीनार मिला, तो 12 घंटे के लिए मुझे 12 दीनार मिलेंगे। मतलब 12 हफ्ते काम करने पर एक मजदूर को जो मिलता है वो मिलेगा 3 महीने की तनख्वाह। आज तो वो मूर्ख लुट गया, अपन जो है आज तो अपनी लॉटरी निकल आई, हाथ बढ़ाया एक दीनार मिला। उसने खजांची से पूछा होगा कि भैया ये क्या हो रहा है। खजांची ने कहा कि मालिक से जाके पूछो, अपने ये जो रेट वगैरह है ये अपन नहीं डिसाइड करते, मालिक डिसाइड करते हैं। 11वें पद में लिखा है, जब मिला तो वह गृहस्थ पर कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि इन पिछलों ने, मतलब जो आखिर में आए थे, उन्होंने एक घंटा काम किया और तुमने उनको हमारे बराबर कर दिए, जिन्होंने दिन भर धूप सहा और भार सहा। मतलब गलती किसकी है? गलती मालिक की है। देखिए जरा ईमानदारी से सोचें, सुबह जब मालिक आया, मालिक को नहीं पहचान पाया, फार्म हाउस को नहीं पहचान पाया, मजदूरी को नहीं पहचान पाया, सर्वेश्वर के हाथ में देने के बदले दुनिया के सृष्टा से मोलभाव किया, और सबके बाद जो है अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था, तो मालिक की बुराई करने लगा, तुमने उनको हमारे बराबर कर दिया। मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूं प्रिय भाई और बहनों, मैं और आप अक्सर अपने जीवन में जो काटते हैं उसे हमने ही बोया है। शायद लापरवाही के कारण बोया हो, शायद अनजान अज्ञान के कारण बोया हो, कारण कुछ भी हो सकता है, कारण सही भी हो सकता है, कारण गलत भी हो सकता है, विषय यह नहीं है। विषय यह है कि हमने गलत बोया और उसका रिजल्ट जब हम काटते हैं, तब कई बार हम लोग या हम में से अधिकतर लोग उसका दोष प्रभु को देते हैं, जबकि दोष हमारा है। यदि उस दास ने इस बात को समझा होता कि गलती मेरी है, और यदि जाकर मालिक के पैर पर लौट गया होता कि मालिक मेरी गलती मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुछ और दे दीजिए, तो मालिक ने कहा होता कि ठीक है, मुझे खुशी है कि तुम्हारी आंखें खुल गई, आइंदा मुझसे मोलभाव नहीं करना, इस कारण आज मैं तुमको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दिए देता हूं, बिना मोलभाव किए मेरे फार्म हाउस में रोज आकर काम किया करना, क्योंकि फार्म हाउस में काम करने का जो नियंत्रण है परमानेंट है, रोज रोज बुलाने की जरूरत नहीं है। नहीं समझा, इसलिए उसने मालिक की बुराई की। मैं और आप इसके आधार पर एक बात ये समझ लें, हम में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परफेक्ट है। आप पूछेंगे कि ब्रदर आप जैसा व्यक्ति जो पब्लिक फिगर है, नहीं मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, मेरे भी जीवन में कई सारी गलतियां होती हैं, कई सारे इम्परफेक्शंस होते हैं, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी भर हम उसको लेकर चलें। जिस दिन या जिस क्षण हम इस बात को समझते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत चॉइस किया,
और वो जो चॉइस किया उसका परिणाम आज मैं भुगत रहा हूं, तो सीधे सीधे तुरंत प्रभु के पास जाइए, प्रभु से बोलिए कि प्रभु मैं मूर्ख हूं, अपने अज्ञान के कारण मैंने गलत चॉइस किया और उस चॉइस का रिजल्ट जो है वो मेरे गले पड़ गया है, लेकिन प्रभु मैं आपका बच्चा हूं, मेरे गलत चॉइस के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। पहला यूहन्ना 1:9 हमको याद दिलाता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, जो इस बात को याद दिलाता है कि एक विश्वासी के जीवन में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए क्षमा हम नहीं मांग सकते, हर बात के लिए क्षमा मांग सकते हैं। और जब हम पापों से क्षमा मांगते हैं, प्रभु न केवल हमें हमारे पापों से क्षमा करते हैं, हमारे अधर्म से शुद्ध करते हैं, मतलब अनजाने भी हमने जो किया है उससे हमको क्षमा देते हैं। जानते हैं इसका कारण क्या है, प्रभु चाहते हैं कि हम अपने जीवन का अधिकतम समय प्रभु के साथ संगति में बिताएं। इसलिए जैसे ही हमको पता चलता है कि हमने गलती की है तो हम तुरंत प्रभु से क्षमा मांग लें, और जब क्षमा मांग लें, पहला यूहन्ना 1:9 के अनुसार जब क्षमा मांग लेते हैं तो उसके साथ साथ रोमियो 8:28 कार्य करना शुरू कर देता है। रोमियो 8:28 कहता है, हम जानते हैं कि जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। वहां यह नहीं लिखा हुआ है कि सब बातें भलाई के लिए होती हैं, जी नहीं, हम मूर्खता के साथ जो चॉइस जीवन में करते हैं वो भलाई के लिए नहीं है, लेकिन यदि हम अपने पापों को मान लें, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करते हैं, हमको सब अधर्म से शुद्ध करते हैं, और उसके बाद हमारे जीवन में जो गलती हुई है उस गलती को लेकर इस तरह से उसका उपयोग करते हैं कि वो सब मिलकर भलाई को उत्पन्न करें। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है घर में जो एकदम से टेस्टी सब्जी बनाई जाती है, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, मांसाहारी या शाकाहारी जो सब्जी बनाते हैं उसके अलग अलग घटक आप यदि जीत पर रखें तो आपको कोई आनंद नहीं आएगा। अब जैसे बिना मिर्ची के आप ना तो शाकाहारी सब्जी बना सकते हैं ना मांसाहारी सब्जी बना सकते हैं, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति जो इतना सेंसिटिव है उसके जीभ पर वो मिर्ची रख दिया जाए तो जल के मेरी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन वही मिर्ची जब सब्जी में पड़ जाता है तो सब्जी में टेस्ट आता है। सब्जी का टेस्ट ही उसके सारे जो इंग्रेडिएंट्स है, जो घटक है, वो एक दूसरे से मिलने पर आता है। इसी तरह से मेरे आपके जीवन में मेरी आपकी जो गलतियां हुई हैं, जब हम उन गलतियों को मान लेते हैं, प्रभु उसके जो रिजल्ट है उसको एक घटक के रूप में यूज करते हैं और हमको शेप करते हैं, हमारा रूपांतर करते हैं, और फाइनली हमारे जीवन के अंत में जब हम मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि कितने अद्भुत तरीके से जब मैंने क्षमा मांगी प्रभु ने कितने अद्भुत तरीके से मुझे न केवल क्षमा प्रदान की, मेरी गलती को प्रभु ने इस तरह से यूज किया कि वो मेरे लिए भलाई का कारण बन गया। यहां एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, मनुष्य क्षमा करने में विश्वास नहीं रखता है, प्रभु के पास तो सिर्फ क्षमा ही क्षमा है। इसलिए यदि आपने प्रभु से क्षमा मांग ली है तो उसके बाद मनुष्य 50 बार यदि आपसे कहे कि नहीं नहीं ये तो ऐसा पाप है जिसके लिए क्षमा नहीं है, तो मनुष्य की वाणी सुनने के बदले प्रभु का वचन सुनिए। मनुष्य की वाणी सुनना हमेशा हर व्यक्ति को निरुत्साहित करता है, उससे उसके उत्साह को ठंडा करता है। तो इन लोगों ने अपनी असहायता को समझा, इसलिए प्रभु ने उनको पर्याप्त रिजल्ट दिया, जिसने बार्गेन किया उसको नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसके पास एक आखिरी चांस था। प्रभु को दोष देने के बदले यदि वो प्रभु के पैरों पर गिर जाता कि प्रभु मुझसे गलती हो गई है, तो प्रभु जरूर जरूर उसको रिजल्ट देते, लेकिन प्रभु ने क्या जवाब दिया 13वें पद में हम देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
तेरहवां पद बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें से प्रभु यीशु ने उनमें से एक को उत्तर दिया कि हे मित्र, मैंने तुमसे कोई अन्याय नहीं किया, क्या तुमने मुझसे एक दिनार फिक्स नहीं किया था, तुमने ठहराया था। मैं जो पद पढ़ रहा हूं, दो बहनें यहां पर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करती जा रही हैं, जो इसके कारण अक्सर मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर देख के ये पद पढ़ लेता हूं, जिससे मुझे बड़ी सुविधा हो जाती है। उन दोनों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कमेंट बॉक्स में देख लें तो उनका नाम आपको नजर आ जाएगा। तो प्रभु ने क्या जवाब दिया? तुमने ठहराया। आज जो प्रभु के द्वारा बताई गई पूरी कहानी हमने पढ़ी, उसकी कुंजी यह है। कुंजी क्या है? हम प्रभु के साथ बार्गेन करके अपने भविष्य को यदि डिसाइड करते हैं, हमेशा नुकसान में रहेंगे। इसलिए फाइनली मालिक ने कारण बताया कि तुमने ठहराया था। सही है या गलत है, वो क्या बोलेगा? क्योंकि शुरू में जितने लोग आए थे, सब लोगों ने सुना था कि होगा, रहा होगा उनके गैंग लीडर जिसने बार्गेन किया। किस मुंह से वो बोलते कि प्रभु तुमने ठहराया भैया, और तुमने जो ठहराया मैं तुमको दे रहा हूं, और ये एक व्यक्ति की तनख्वाह से, मजदूर की तनख्वाह से कम 6 गुना ज्यादा है। आज आगे बढ़ने के पहले मुझे और आपको अपने जीवन के को मुड़कर जरा जांचना जरूरी है। प्रभु ने आपके जीवन में जो इन्वेस्टमेंट किया, वो आपने पहचाना क्या? कुछ लोगों ने पूछा था उसको कैसे पहचाने। मैंने आपको बताया था, आप एक स्थानीय कलीसिया के अंग हो जब हैं, तो स्थानीय कलीसिया में आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटीज आते हैं, पुलपिट में प्रीचिंग से लेकर मंडली में झाड़ू लगाने तक, या असेंबली हॉल में पोंछा लगाने तक, जो भी अवसर आपको मिलता है उसको मत छोड़ें। खाना बट रहा है, खाना खाने के बाद सब लोग जो है धूल झाड़ के चले गए, बाकी सारे डिस्पोजेबल प्लेट एक कोने में पड़े हैं, आप देखते हैं। एक बार आपका मन करता है कि भैया उसको ठिकाने लगा दो, फिर लगता है अच्छा मैं तो बड़ा लाट साहब हूं, मैं कहे को ये सब करूं। जब भी अवसर दिखता है, इवन आपके चर्च में किसी प्रोग्राम के बाद जो डिस्पोजेबल प्लेट्स है जिनको लोग एक कोने में फेंक कर गए हैं, जब आपको देखते हैं, तब प्रभु आपको याद दिलाते हैं कि पुत्र, ये भवन जहां पर लोग एक साथ एकत्रित होते हैं, इसकी साफ सफाई भी कुछ लोगों की जिम्मेदारी है। तुम होगे इस चर्च में बड़े लाट साहब, सबसे अमीर व्यक्ति होगे, लेकिन जरा ये देखो कितना गंदा पड़ा है। मैं ऐसे कई भाइयों को जानता हूं, केरल में तो खूब सारे कैंप्स, कॉन्फ्रेंसेस और बहुत सारी चीजें होती हैं, और मैंने ऐसे 50 भाइयों को देखा है जो मेरे जीवन में जिन्होंने चैलेंज किया है। एक कॉन्फ्रेंस जिसमें कम से कम 10 साल मैंने संदेश दिया, उसमें जब हम खाना खाने के लिए बैठते थे तो टेबल पहुंच कर टेबल पर बर्तन लगाते थे, वो आदमी केरल का सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसरों में से एक था। आईएएस ऑफिसर तो जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसका मालिक होता है, ये उससे भी ऊंचे पोजीशन में पहुंच गया था। 10 साल मैंने देखा जब हम खाने के लिए बैठते थे तो सबसे पहले टेबल की सफाई, बर्तन लाके रखना, और खाने के बाद लोग उठते थे तो उसके बाद टेबल पर जो जूठा खाना पड़ा है उसको वो भाई साफ करते थे। रिटायर हो गए हैं, मेरे सामने रिटायर हो गए, प्रभु उनका बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए आपको यदि लगता है कि मैं बड़ा लाट साहब हूं और इसलिए मैं ये साफ सफाई क्यों करूं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि दुनिया के हिसाब से जो लाट साहब हैं, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस बात को पहचाना है कि प्रभु ने उनको किस बात के लिए बुलाया है, और उन्होंने विश्वास योग्यता से किया है। और मुझ जैसे लोग जो उसको देखते हैं, मुझे जीवन में उसके द्वारा बहुत चैलेंज किया है। इस कारण यदि आप जानना चाहते हैं कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या निवेश किया है, तो आपके लोकल चर्च में
जो भी अवसर आता है उसका उपयोग कीजिए, चाहे जूठा खाना हटाने का हो या पुलपिट में संदेश देने का हो। क्रमशः प्रभु बताएंगे कि बगिया में, उस फार्म हाउस में आपको कौन सी जिम्मेदारी दी गई है। और जब हम इस तरह से करेंगे, तब शाम के समय जब हमको लगेगा कि विधवा की एक या दो दमड़ी हमारे हाथ आएगी, तब पता चलेगा कि 6 दिन को काम करने पर जो पैसा मिलता है वो घंटे भर के लिए, मतलब 72 घंटे का की जो मजदूरी है, 1 घंटे काम करने पर प्रभु ने दी है। 2-4 प्रश्न और क्लोजिंग से पहले अपने आप से पूछना जरूरी है। नंबर 1, मैंने अभी पूछा आपके जीवन में प्रभु ने क्या इन्वेस्ट किया, इसे आपने पहचाना है क्या? नहीं पहचाना है तो कम से कम आप स्थानीय मंडली में प्रभु ने आपको जो जिम्मेदारी दी है उस हर जिम्मेदारी का स्वागत करें। प्रभु बताएंगे कि एग्जैक्टली कहां प्रभु आपको फिट करना चाहते हैं। नंबर 2, जब उस बात को पहचान लेते हैं तब प्रभु से मोल भाव ना करें, विश्वास योग्यता से कार्य करें। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने प्रभु से, जिनको प्रभु ने अपनी सेवा के लिए बुलाया। मैं चूंकि प्रभु की सेवा में हूं इसलिए ऐसे कई को जानता हूं। भाई ने कहा कि प्रभु बच्चा बहुत छोटा है, उसकी पढ़ाई हो जाए, मैं नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। बच्चे की पढ़ाई हो गई, प्रभु बच्चे की नौकरी लग जाए, नहीं तो वो क्या करेगा। बच्चे की नौकरी लग गई, प्रभु मैं अभी इस्तीफा देता हूं, आपकी सेवा में आता, बच्चे की जरा शादी हो जाए। बच्चे की शादी हो गई, प्रभु बस मैं इस साल रिजाइन करता हूं, लेकिन हमारी वाइफ कहते हैं कि एक ग्रैंड चाइल्ड के दर्शन हो जाए। उसके बाद ग्रैंड चाइल्ड आ गया, ग्रैंड चाइल्ड आया, लड़का भी नौकरी करता है, लड़की भी नौकरी करती है, बच्चे को कौन देखेगा। तो बस प्रभु सब भूल गए, इधर ग्रैंड चाइल्ड देखने में लगे रहे। फिर क्या हुआ, प्रभु फिर से याद दिलाते, प्रभु ये बच्चा जरा स्कूल जाने लगे। इस तरह से ना केवल अपने बच्चे की शादी और बच्चा, बल्कि ग्रैंड चाइल्ड भी जब नौकरी पे लग जाता है तब तक प्रभु 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 कहते रहते हैं। फाइनली रिजल्ट क्या होता है, 70 साल की उम्र में फ्री हो जाते हैं। 70 साल की उम्र में बेटे ने बोल दिया कि पापा अब घर मेरा है, आप जहां चाहे जा सकते हैं, और यहाँ पास में ओल्ड एज होम है, आप कहें तो भर्ती करवा दूं। तब हमको लगता है कि हे प्रभु आपने मुझे बुलाया था। हाँ प्रभु मैं देखिए तैयार हूं। आपकी सारी एनर्जी खत्म हो गई, आपकी बुद्धि काम नहीं करती, आपके लड़के ने आपको लात मार के घर से बाहर निकाल दिया, ओल्ड एज होम में जाकर रहने लायक फूटी कौड़ी आपके पास नहीं है। तब आप प्रभु से कह रहे हैं प्रभु आपका दास तो आपकी सेवा के लिए तैयार है। यह उस दास के समान है जिसने सुबह सुबह प्रभु से मोल भाव किया था। हम में से जितने लोग मोल भाव में पढ़ते हैं उनमें से ज्यादातर की स्थिति यह है। मैं कम से कम 25 ऐसे प्रचारक मेरे मित्रों के बीच में से जानता हूं। जीवन में सब कुछ आज नहीं प्रभु, कल नहीं, परसों नहीं, और इस तरह से करते रहे। 70 साल की उम्र में फ्री हो गए, तब तक मसीही समाज भी समझ गया कि यह व्यक्ति मसीही समाज के लिए उपयोगी नहीं है। मसीही समाज ने भी बोल दिया कि आपके सेवा की अब जरूरत नहीं है, जब जरूरत थी तब आप भक्त रहे, अब हम क्या करेंगे, हम को तो जवानों की जरूरत है जो आकर गांव में जाकर प्रभु का शुभ संदेश सुना सके, स्ट्रीट्स पर खड़े होकर सुना सके, जो हर दिन कम से कम 2-3 फैमिलीज को विजिट कर सके। यदि आज जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं इनमें से ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में प्रभु ने जो इन्वेस्टमेंट किया उसे नहीं समझा, तो उसे समझने की कोशिश करें। यदि ऐसा कोई है जिसने इन्वेस्टमेंट समझा है लेकिन प्रभु के साथ मोल भाव टालमटल करता रहा है, देर मत कीजिए, प्रभु को दोष मत दीजिए, जाके प्रभु पे पैर पे गिर जाइए कि प्रभु गलती हो गई, अब आपके वचन से ये बात स्पष्ट हो गई कि मुझे वापस आना है।
प्रभु आपका उपयोग करेंगे। जो लोग प्रभु की वाणी सुनकर विश्वास योग्यता से काम कर रहे हैं, उनसे भी एक बात बोलकर मैं इस संदेश को क्लोज करना चाहता हूं, और वो ये है, प्रिय भाई प्रिय बहन, पहला कुरिन्थियों तीसरे अध्याय के अनुसार, इब्रानियों की पत्री छठे अध्याय के अनुसार, कल हम प्रभु के सामने खड़े होकर अपना हिसाब देंगे। उस समय हम में से लगभग हर एक को लगेगा, प्रभु मैंने ये समझा होता तो और अधिक आपके लिए परिश्रम किया होता, लेकिन तब ऐसा सोचने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तब तो मनुष्य का जीवन समाप्त हो चुका है। इसलिए मुझ में आप में से जो लोग भी विश्वास योग्यता से काम कर रहे हैं, उनसे मेरा क्लोजिंग संदेश है, और अधिक विश्वास योग्यता से काम करने के लिए प्रभु आपकी मेरी मदद करें। मैं अपने टेलीफोन नंबर आपको मोबाइल नंबर बताना चाहता हूं, जिस पर आप इन संदेशों का लिंक मुझसे मांग सकते हैं, और उसके अलावा मेरा जो मेमोयर मैंने आपको याद दिलाया था मलयालम में, ये पुस्तक 800 पन्ने की पुस्तक आप गिफ्ट के रूप में पा सकते हैं, और यदि अभी से आप मुझे मैसेज दे देंगे तो दिसंबर के आसपास जब इंग्लिश तैयार हो जाएगा तब इंग्लिश आपको गिफ्ट के रूप में भेजेंगे। इसके लिए कोई कीमत देने की जरूरत नहीं है, ये मेरे बच्चों का गिफ्ट है, बेटे और बेटी और उनके परिवार का है। मेरा मोबाइल नंबर है 999, मतलब 999 999 519 8690। मैं फिर से दोहराता हूं, 999 519 8690। आप लोगों ने बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रभु का वचन सुना, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।